वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, यानी कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कि सर जो हमारे एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होने वाले हैं। आज 12 तारीख हो चुकी है, यानी कि 12 अप्रैल आज हो चुकी है, और 15 अप्रैल से आप सभी छात्रों के जो एक तरीके से एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाले हैं। अब आप सभी छात्रों को भी पता है और मुझे भी पता है, काफी छात्रों को चिंता हो रही है। चिंता इस वजह से हो रही है कि जितने भी जो फाइनल ईयर के और साथ में जो सेकंड ईयर के जिनके ड्यू पेपर थे, बैक पेपर थे, और साथ में फाइनल ईयर की जो आपकी मुख्य परीक्षा थी उसी के साथ में जो आपके ड्यू पेपर थे या बैक पेपर थे आपके फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट थे, उन सभी के लिए जो डेट आपकी 30 मार्च रखी गई थी उस डेट को बढ़ाकर एक तरीके से 5 अप्रैल कर दिया गया था, और वहां पर भी एडमिट कार्ड है वो एक तरीके से जारी नहीं हुआ था। लास्ट में मैंने बोल भी दिया था आप सभी छात्रों को, अगर उस वीडियो का अगर आपने देखा होगा, कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं टाइम से, तो आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आगे खिसक सकती है। अब इसी वजह से लगातार छात्रों के एक तरीके से रहता है, सभी छात्रों के मन में यहाँ पर एक तरीके से चिंता इस चीज को लेकर रहती है, क्योंकि जैसे उन छात्रों के लिए इस तरीके से हुआ है तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं होगा, आपको पता है कि जो भी एग्जाम की डेट रहती है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को, यानी कि कल ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुए हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 11 अप्रैल को रात्रि को बना रहा हूँ, बाकी आपको ये जैसे सुबह अभी फिलहाल 12 तारीख को सुबह ही देखने को मिल रहा होगा या दोपहर में देखने को मिल रहा होगा, तो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आज ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपके जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, आज या कल का आपके पास में टाइम है। अगर 13 तारीख तक भी आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं तो आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आगे एक तरीके से खिसक सकती है। बाकी 99.9% क्लियर है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे और तय समय पर ही आपकी जो परीक्षा है वो एक तरीके से करवाई जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे एक तरीके से एग्जाम आगे खिसकाने की वजह से पूरा जो एक तरीके से मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है, और पूरी तरीके से जो एग्जाम की डेट है वो रिशेड्यूल की जाती है। एग्जाम की जो डेट है साथ में कुछ एक तरीके से हॉलीडे रहता है या एक तरीके से जो आपकी छुट्टियां रहती है उनको भी मद्देनजर रखते हुए एक तरीके से जो एडमिट कार्ड है या एक तरीके एडमिट कार्ड नहीं जो टाइम टेबल है वो क्रिएट किया जाता है। तो इसी वजह से आप सभी छात्रों को मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो आज ही जारी हो जाएंगे। जितने भी बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है मत्स्य यूनिवर्सिटी के, आपके एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएंगे, आज जारी हो चुके होंगे। अगर अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं तो आज शाम तक या आज रात्रि तक आप सभी छात्रों को वेट करना है। बाकी तो देखा जाता है कि जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं उस शाम को या दोपहर में आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाते हैं, तब तक थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी जितने भी आपके कमेंट रहते हैं उन कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से देता रहता हूँ, और टेलीग्राम पर आप सभी छात्रों को बैक ईयर के जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में मैंने इसी YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर आपको लास्ट 2023 के भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो बैक ईयर के पेपर है बीए बीएससी बीकॉम के, तो वो पेपर आपको मिल जाएंगे। बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, साथ में केमिस्ट्री के पेपर हो गए, मैथमेटिक्स के पेपर हो गए, हिस्ट्री का पेपर हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है, उसी के साथ में और भी आपका ज्योग्राफी का पेपर हो गया, सभी पेपर मैंने एक तरीके से अपलोड कर रखे हैं। उन पेपर्स को आप देख लेना, उनसे काफी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।